उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में शिवपति पीजी कॉलेज शौरतगढ़ के बीएससी के छात्र मनीष शुक्ल की मौत ने भी एक नया मोड़ ले लिया है। मनीष के परिजनों ने शौरतगढ़ के अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह पर कथित हत्यारों को बचाने का सनसनीखेज आरोप लगाकर तहलका मचा दिया है। यह आरोप उन्होंने डीएम को दिए ज्ञापन में लिखित तौर पर लगाया है। साथ ही मनीष की मां ने पुलिस पर एतबार न करते हुए सीबीआई जांच की मांग कर हत्या का खुलासा करने की बात कही। जिला मुख्यालय के ग्राम गोरा बाजार निवासी मनीष के पिता राजेंद्र शुक्ल और उनके एक और परिजन रविंद्र बिश ने आज इस मामले में डीएम को ज्ञापन देकर अवगत कराया है कि मनीष के हत्यारों को विधायक अमर सिंह चौधरी बचा रहे हैं। वहीं मनीष की मां पुलिस कार्रवाई से नाखुश होकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इस मामले पर जब विधायक अमर सिंह चौधरी से बात की गई तो वह क्षेत्र का हवाला देते हुए दिखे। उनका साफ तौर पर कहना था कि क्षेत्र की जनता आएगी तो उसकी मदद जरूर की जाएगी, नाजायज किसको फंसने नहीं दूंगा। देखिए, हमने जिलाधिकारी महोदय, कप्तान महोदय, आयुक्त से लेकर के 8 रजिस्ट्रिया की है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक का, गृह मंत्रालय तक दिया है। माननीय विधायक हत्यारों को बचा रहे, जिसको भी पुलिस पकड़ती है, जो नई टीम आई है ये मेहनत करके जांच तो कर रही है, लेकिन विधायक इसमें आड़े आ जाते हैं, वो जांच नहीं कर पाती है। मुझे विश्वास नहीं है कि अब यूपी पुलिस जांच कर पाएगी। सीबीआई कौन है विधायक? ये सोरतगढ़ विधानसभा के विधायक अमर सिंह है। चूंकि इन पर मेरा विश्वास ऐसा नहीं था कि मैंने ऐसे कर लिया, मेरी कोई उनकी व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लेकिन जब हथियारों के बचाव में वो आए तब मुझे लगा कि इनका कहीं ना कहीं हाथ है। ये 9 दिन बाद हमें पता चला कि एसओ शमशेर बहादुर सिंह के साथ विधायक जी का पहले से ही साठगांठ था। अब हमें सीबीआई जांच करे, हमारे बच्चा का कातिल का पता होना चाहिए। हमें खून के बदला खून चाहिए। हम जैसे बच्चे कमरे मारे वैसे उन्हें फांसी पर लटे के चाहिए, जो मुजरिम पकड़ जाए। अब सीबीआई जांच हुई तब हमारे का निर्णय मिल पाई। पुलिस आज तक कुछ नहीं कह पाई। वहाँ के सोरतगढ़ के थाना शमशेर सिंह वो घूस खाए रहे, वो आज तक हमें कहें कि आपके बच्चा जिंदा मिल जाए। आज तक ऐसे कहा हम थाने गए तो फील्ड में जो मुजरिम पकड़ गए उन्हें घुमावत रहे। हम जन साहेब भी कहा करा जाते बताया जा, जो मुजरिम पकड़ जाते तो ये घुमावा जाते, कहा था आप मत घबराओ, जो आपका बच्चा जिंदा मिलेगा। अपसेट होकर गए हम, कह हमारे बच्चा अपसेट होकर जाता तो जुतवा निकाल के नहीं जाता साहेब। ये आप इतना करा जाए, आप मतलब घूस खा लिया गया है, कहा था आप गलत सोचा जाता। हम कह गलत नहीं, कहा था 4-6 दिन में आपका बच्चा मिल जाएगा। सीबीआई जांच लिखे हैं, डीएम को लिखे हैं, मुख्यमंत्री को लिखे हैं। आज जब पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए तो सीबीआई जांच होगी, तब हमारे बच्चा का कातिल का पता मिल पाएगा। देखिए भाई साहब, ये हमारे विधानसभा में जो मनीष शुक्ला की डेड बॉडी बाणगंगा के नदी में मिला, तो वाकई में उसके पूर्व में बहुत ज्यादा कोई हम लोग की जानकारी थी नहीं। हाँ, निर्दोष अगर किसी को भाई पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करती है तो तमाम ऐसे लोगों को पूछताछ करती है, तो हम लोग चूंकि जिम्मेदारी के पद पर हैं तो जरूर गार्जियन आते हैं, कहते हैं विधायक जी देखिए हम लोग दूर दराज से थे, थोड़ा मदद करिए, देखिए पुलिस 10 दिन से पला पला को बैठाई है। तो हम लोग को तो दोनों तरफ देखना पड़ता है। कोई भी हो, मैं नहीं हूं, हिन्दुस्तान का कोई पॉलिटिशियन हो, तो अपने क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई बात होती है तो जरूर वो दोनों तरफ देखता है, सुनता है सबकी। लेकिन जो सत्य है, और सत्य के खिलाफ थोड़े कोई जाएगा, हर आदमी जानता है कि भाई सत्य के खिलाफ जाना मुनासिब नहीं है। जो गलत हो उनको कानूनी सजा मिले, लेकिन जो गलत नहीं है उनको सजा क्यों मिले। क्राइम स्टोरी के लिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।